अस्सलामु अलैकुम वाला ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि मिलर ट्रैक्टर के 2023 मॉडल जो आने वाले हैं उसमें क्या तब्दीली मतवक्के है, कौन से मॉडल में कौन सी तब्दीली होनी चाहिए, या इसके अलावा आज का आपके साथ मार्केट के तमाम मॉडल का रेट आपके साथ शेयर करेंगे मिलर ट्रैक्टर के, जिसमें 240, 260, 375, 385, 385 4x4 मार्केट और बुकिंग रेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो भाई भी न्यू हो हमारे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकें और आप ट्रैक्टर मार्केट की मौजूदा सूरत हाल और डेली के रेट्स के बारे में अपडेट ले सकें। बहुत से हमारे भाई जो हमें मैसेज वगैरह करते हैं, कॉलिंग करते हैं कि 2023 मॉडल कब आ रहे हैं मार्केट में, इसमें क्या तब्दीली होनी है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि 240 ट्रैक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो है तब्दीली मतवक्के ये है कि इसमें पावर एलयू पहले जनरल के टायर आते थे सिर्फ, ठीक है। तो मार्केट में अगर कोई गाहक जो है या किसान भाई जिसको इनको मतलब पैंथर के टायर चाहिए थे वो दस्तयाब नहीं होते थे, ठीक है। तो इसमें ये मतवक्का है कि ये टायर जो है ये अब पैंथर में भी आएंगे और जनरल में भी आएंगे 2023 मॉडल में, ठीक है। इसके अलावा 260 ट्रैक्टर की बात करें तो उस पर एक तब्दीली मतवक्के है। 260 ट्रैक्टर में आपको पता है चाबी वाला जो है डीजल पम्प इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हमारे किसान भाई गाहक जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके मुकाबले में डेल्फी का जो है चोक वाला पंप, ठीक है, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है। अब 2021 मॉडल में 260 के उसमें डेल्फी का पंप इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो 2022 है उसमें जो है दूसरा चाबी वाला पंप इस्तेमाल किया गया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनें आ रही हैं और गाहक जो है इसको इस तरह ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे। इसके अलावा जो है मज़ीद कोई तब्दीली नहीं होने वाली मिलर ट्रैक्टर के न्यू मॉडल जो 2023 में आएंगे। ये तब्दीली हो सकती है कि ये जो 2022 का जो है हिस्सा है उसको 2023 कर देंगे। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है, ना कोई कलर की है, ना कोई नई टेक्नोलॉजी है, वही पुरानी टेक्नोलॉजी चलेगी। कोई नया फंक्शन वगैरह भी नहीं आने वाला, बिल्कुल वही आपको पुरानी टेक्नोलॉजी मिलेगी 2023 मॉडल में भी। जबकि आपको पता है कि अलगाज़ी ट्रैक्टर ने अपने नए मॉडल लॉन्च किए हैं 2023 और ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब हमारी ऐसी लोकल कंपनियाँ जो हैं वो अपने मॉडलों में तब्दीली वगैरह चेंजिंग वगैरह करती हैं, तो अच्छे के दाम है। ये मिल्लत को भी उठानी चाहिए, कोई तब्दीली वगैरह करनी चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी चाहिए। इसके अलावा आज का आपके साथ मार्केट का रेट शेयर करें तो सबसे पहले 240 ट्रैक्टर की बात करेंगे तो इसका मौजूदा बुकिंग रेट चल रहा है 15,24,000 रुपया। ये आज मार्केट में 15 लाख में सेल हो रहा है जनरल टायरों के साथ। इसके अलावा मैसी 260 जो है इसका मौजूदा बुकिंग रेट चल रहा है 17,56,000 रुपया और ये आज मार्केट में 17 लाख में सेल हुआ है पैंथर टायरों में। इसके अलावा 385 ट्रैक्टर की बात करें तो उसका मौजूदा बुकिंग रेट चल रहा है 23,87,000 रुपया और ये आज मार्केट में 23,90,000 में सेल हुआ है जनरल टायरों में। जबकि अगर आप सर्विस टायरों में लेंगे मैसी 385 तो वो आपको 10,000 रुपया मज़ीद महंगा मिलेगा, यानी कि 24 लाख में आपको मिल जाएगा मैं सर्विस टायरों में। इसके अलावा मैसी 385 4x4 ट्रैक्टर जो है उसका मौजूदा बुकिंग रेट चल रहा है 30,83,000 रुपया, जबकि ये मार्केट पे पूरे 32 लाख में सेल हुआ है। फ्रंट टायर जो है पैंथर के हैं और बैक साइड टायर जो है वो जनरल के। दोस्तों यकीनन आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वाहला ट्रैक्टर को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। शुक्रिया।